जिंदगी की असली मजे। लगती हूँ मैं सही से इतना, लेकिन अंदर का सब कुछ ढीला ही है। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आपको स्वागत करता हूँ लाइव टू एक्सप्लोर में। आपने तो ऑलरेडी देखा होगा पिछले वाला ब्लॉग, तो हम कैंपिंग कर रहे हैं। सुमित, रश्मि हमारे साथ है। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, पूरा कैंपिंग का आपसे, अभी चाय वाय बना रहे हैं, तो बिना गैस का तो कुछ हो नहीं सकता ना। ऐसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। इधर हमारा चाय, चाय की कॉफी, कॉफी बना लेंगे। हाँ, वो बेस्ट है एक्चुअली। ये नंदिनी का जो टेट्रा पैक आता है ना, वो छोटा छोटा है, वो वाला पैकेट ले लिए थे। ये बढ़िया, ये तो कैंपिंग वैम्पिंग के लिए अच्छा है, नहीं तो मिल्क पाउडर तो यूज़ कर सकते हैं। तो आज वैसे प्लान हम कर रहे हैं कि पहले चाय पानी बनाएंगे, जगह को क्लीन करेंगे, खुद क्लीन होंगे, उसके बाद इधर से निकलेंगे हम नागरहोले नेशनल पार्क। इधर से कितना डिस्टेंस है पता नहीं, अभी तक देखना पड़ेगा गूगल मैप में। मुझे लगता है कि 70-80 किलोमीटर कुछ रहेगा उसका डिस्टेंस। तो इधर से जाएंगे क्योंकि वाइल्ड लाइफ और आयुष्मान तो पहले से बता दिया कि हाथी देखना है मुझे। और तेरे लिए तो पोज मारेगा आयुष्मान, ठीक है? हाथी ये ले, ये ले, ये ले, आचार नहीं है, ये ले, देख ले। लेकिन दिखना चाहिए, दिखना चाहिए वाइल्ड लाइफ। आफ्टरनून हो जाएगा वैसे, हम निकलते निकलते। कितना अभी बज रहा है? 7:10 9 बज जाएगा इधर से निकलते, है नहीं वे? देखते हैं। और खाना बनाने का भी प्लान है आज, जाएंगे किधर देखेंगे, सीनिक लोकेशन देख के, क्योंकि हम सब नॉन वेज खाए, ये वेजिटेरियन थी कल, तो इसके लिए आज नॉन वेज बनेगा। बहुत ही कंफर्टेबल स्लीप रहा है यार, बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया जगह है, पूरा शांत माहौल। जागीरी पाउडर, ये देखो हाईजैक कर लिया आयुष्मान का साइकिल। सुबह सुबह उठ के मामा हाईजैक किया, उसके बाद पापा हाईजैक किया, अभी रश्मि, अभी आंटी ने हाईजैक कर Cheers. Beers. Cheers. Beers. Ne tu torpiu bre. Thanda thanda pani mein. Nahana chahiye. Pura jungle hai na? नेक्स्ट लेवल फीलिंग है ये एक्चुअल में यार, मतलब नेचुरल वाटर का मजा ना, कोई स्विमिंग पूल नहीं, कुछ नहीं, पानी ठंडा नहीं। ओके जा, ये देखो आयुष्मान भी मन कर गया, आयुष्मान को भी ये भी, इसको भी नहाना है। ओके, और आयुष्मान देखो बॉडी बिल्डर है पूरा, मसल देख रहे हो ना आयुष्मान का कैसा, वो स्कूल जा जाके ना बैग उठा उठा के उसका मसल सब चला गया। अभी मना कर रहा था नहाएगा नहीं करके, अभी पानी देख के ही उसको मन कर गया। सुमित उसके ऊपर डाल दो क्योंकि पहला, हाँ ये मुँह। बढ़िया लगेला, बढ़िया मजा। आयुष्मान हमेशा बढ़िया ही लगता है उसको।
सारे जेंट्स अंदर जाके आ गए, सीधा लेके अंदर नहाए। और ये तो हमारा टॉयलेट टेंट है ही फॉर लेडीज। आयुष्मान तू अंदर नहीं नहाया, सीधा लेके अंदर घुस गया तू। सुबह सुबह चिप्स। और बहुत सारा क्वेरी जो आता है कि टॉयलेट या नेचर कॉल का कैसे करते हैं। आपके पास अगर ऐसा टॉयलेट टेंट नहीं है तो बुशेस के साइड में जाके, जनरली केट होल बोलते हैं इसको, उसके लिए एक्चुअली ना एक आर्टिकल था, पता नहीं मिलेगा तो मैं शेयर करूँगा। बहुत सारा वेस है, उसमें से एक पॉपुलर वे है केट होल बोलते हैं, मतलब बिल्ली गड्ढा खोद के फिर डू योर जॉब एंड कवर इट अप, मतलब डोंट लीव एनी ट्रेस बोलते हैं ना, वैसा टाइप भी है। ऐसा कुछ कर सकते हो ऑब्वियसली यार, कैंपिंग में ना एडजस्ट करना पड़ता है, यू विल नॉट गेट दैट कम्फर्ट राइट। वो जैसा हमारा घर जैसा या होटल जैसा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। आप अगर एडजस्ट वैसा कर सकते हो तो ही ऐसा सब कैंपिंग का मज़ा मिल सकता है। वो सारे थोड़ा बहुत चीज़ एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो वैसे तो हमारा पेड ऑप्शन, पेड कैंपिंग है। बहुत सारा कैंपिंग में तो ऑलरेडी टॉयलेट वॉयलेट रहता ही है, और वैसा वैसे हमने पेड कैंपिंग में भी के विथ कंफर्टेबल कैंपिंग जो बोलते हैं, वो आप अगर रेगुलर फॉलोअर्स हो तो देख सकते हो हम कौन सा जगह में कैंपिंग किए, कॉटेज टाइप टेंट, बड़ा टेंट, छोटा टेंट, वो सब। तो वैसा भी आप जा सकते हो। इतना छोटा दिया आयुष्मान उसको। ब्रेकफास्ट नहीं लंच हो गया ये, कोई नहीं, 3-4 घंटे के बाद खाना बनाएंगे खाएंगे तो चल जाएगा ये पनीर पुलाव। बैठ जाओ ना, सब चेयर तो है, पूरा डाइनिंग टेबल, लेक व्यू होटल, लेक होटल, होटल लेक व्यू होटल, लेक व्यू। पनीर पुलाव, पनीर वेजिटेबल पुलाव, थोड़ी मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रहा है धीरे धीरे, और धूप है ही नहीं बिल्कुल, पूरा छांवदार है क्योंकि अभी टाइम लगेगा आने के लिए। सब कुछ सेट कर दिया हमने, रख दिया सब सामान पूरा कम्प्लीटली रैप्ड अप, जगह भी सब क्लीन विन कर दिया। अब ये टेबल फाइनल रख के निकलते हैं, ऑल सेट, फिर से हमारा बेड रेडी है। ओ इस आयुष्मान के लिए ना अरेंज करना पड़ता है, दैट्स इट, नीचे सामान रह गया, ऑल सेट। चलो आयुष्मान तेरा खेलना बहुत हो गया डॉगी के साथ, चलो अभी निकलते हैं, बाय बाय, बाय कर दिया, हो गया हो गया हो गया, चलो टाइम हो रहा है। फुल तैयार, वो भी जंगल सफारी, सफारी जैसा ही है ना। वो पूरा सेट अपना नागर होल सेट हो गया है। हाँ ये भी सामान हो गया, चले फिर। हाँ ओके, अजय आयुष्मान अजय। नागरहोले नेशनल पार्क इधर से 83 किलोमीटर है, जो कि 2 आवर्स के आसपास लग जाएगा। तो चलो बीच में कुछ मटन वटन खरीदेंगे फिर निकलेंगे, तो इधर से निकलते हैं फिर। बाय बाय हरंगी, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। मटन हमने ले लिया तो मैरिनेट कर देते हैं, ये खुला ही है क्या? मैरिनेट कर देंगे क्योंकि और 2 घंटे का ड्राइव है ये साइड। ले आयुष्मान, मामा मामा को दे। तो तेल मसाला सब डाल के हम मैरिनेट कर लिया,
तो ये पूरा फ्लेवर ना अंदर जाएगा और थोड़ा सा सॉफ्टी होगा। और मेन रीज़न है, दो ढाई घंटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो ढाई घंटे के बाद ही हमको कुक करना है, क्योंकि अभी नागरहोल फॉरेस्ट कम से कम डेढ़ घंटा है, तो डेढ़ घंटे के बाद ही हम कुक करेंगे, क्योंकि अभी तो खाना खाए हैं, अभी तो नहीं बना सकते। दो घंटा लग जाएगा। तो हाँ, तो फॉरेस्ट क्रॉस करने के बाद हम कुक करेंगे। लेट्स गो देन। वो बिरासपेट वाला रूट में हम जा रहे हैं और बीच में तो मतलब इतना सारे टबाको प्लांटेशन, किलोमीटर किलोमीटर तक। होपफुली मैं करेक्ट हूँ भाई, एनी चांस अगर ये टबाको प्लांटेशन नहीं है तो बता देना प्लीज़ कमेंट में। किसी को तो पूछा था हमने बहुत दिन पहले, तो बोले थे कि ये टबाको लीव्स है। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज टबाको प्लांटेशन ओनली। नागरहोल नेशनल पार्क 20-22 किलोमीटर इधर से है और हमको एक बढ़िया सा सुंदर सा लोकेशन दिखा, तो हम इधर खाना बनाएंगे, क्योंकि नागरहोल नेशनल पार्क क्रॉस करने के लिए एक घंटा लगेगा। अभी टाइम हो रहा है 12:15, तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। और ये देखो यार, इसको बोलते हैं नेक्स्ट लेवल जुगाड़। नेक्स्ट लेवल जुगाड़ देख लो, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल है ये। अच्छा सा सेटअप हो गया, क्योंकि धूप भी, धूप आए कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सही है। और हमारे पास दो गैस तो है, एक इधर, और हमारा तो कैंपर वैन का सेटअप ऑलरेडी है। आयुष्मान बालकनी। चलो फिर फटाफट हम खाना बनाते हैं। और ये हमारा छोटा सा प्रेशर कुकर, दो बार बनाना पड़ेगा, हमने लाए नहीं एक्चुअली बड़ा वाला। नहीं, बड़ा वाला लाए है, लेकिन उसमें मटन कर लेंगे। हाँ, करेक्ट। तो जब तक मटन का प्रिपरेशन होगा, ये दो बार हो जाएगा। वैसे 6-7 मिनट लगता है, सिर्फ स्टील का है ना, इसलिए जल्दी हो जाता है इसमें। ये वाला मस्त प्रोटेक्शन है, हीट से भी, हवा से भी। ये अगर मिलेगा तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भूल गया एक्चुअली, पता नहीं कब खरीदा था, फिर यूज नहीं कर रहा था। नींबू पानी। 10 का 1, 10 का 1, 100 का 1, 1 का 10, 1 का 10, 10 का 1, 10 का 1। कैसा बिजनेस करेंगे रे तू? सॉरी, सुधार। 1 का 10 डुबा देगा बिजनेस डुबा देगा ऐसे में पहले ही दिन में डुबा देगा बिजनेस। नहीं, हम बचपन में पिए थे, क्या बोलते थे वो सोडा, जो बाटी सोडा, बाटी सोडा। वो तो नेक्स्ट लेवल यार, वो 1 रुपया का था। हाँ तो ठीक है ना, मतलब पुराने जमाने में चले गए फिर तो। 35 साल पहले फिर भी 1 रुपये में 1 आता था, वो 10 तो कोई नहीं देगा। पापा के टाइम पे जाना पड़ेगा, फिंगर बॉल हो जाएगा। निचोड़ा हुआ नींबू, फिंगर बॉल। ब्लैक सॉल्ट, हाँ, मसाला। दुकान सेटअप भी अच्छा है, टेबल भी है। मैं बेचना स्टार्ट करूंगी तो लॉस हो जाएगा। 10 का 1 नहीं होगा, 1 का 10, 1 का 10। इसको थोड़ा मिक्स कैसे, पैसे मिलेगा 10 रुपए? नहीं, 1 रुपया। ठंडा कैसा है? ठंडा भी है पानी? सामने ही था ना। सामने था, ये डोर में लगा था इसीलिए। मजा आ गया। और इतना शुगर नहीं है, ठीक है, वो डिजॉल्व होगा। थोड़ा सा ही स्वीट चाहिए ना, पूरा आइसक्रीम जैसा थोड़ी ना पीना है। और धूप में ये बहुत मजा आया। वैसे तो अभी तक क्लाउडी वेदर था, गर्मी तो मालूम बिल्कुल नहीं था, पड़ रहा था गर्मी था इसलिए नहीं। ये अभी थोड़ा सा प्रसन्न हो गए, क्लाउड जैसा है ना एकदम, क्लाउड क्लाउड ऑफ चल रहा है, थोड़ा क्लाउड हो रहा है थोड़ा। एट आओ जी, बस पड़ो, एट आओ जी, बस पड़ो। अरे आडू दे दे, आडू पेन की। अच्छा अच्छा अच्छा, बेसिक होटल हो जमे। हां, सेडा ही दरकार हो। हां, थोड़ा ज्यादा खट्टा अच्छा है ना, लास्ट टाइम जैसा नहीं होना चाहिए मटन खा के, कैंपिंग जैसा। ए, मु कैंपिंग रे मटन खाइनु थी।
वो भेज खा के लूज मोशन हो गया लास्ट टाइम। हम सब कुछ दबा के खाए, मतलब चार मच्छी खा लिया, क्या क्या चिकन बिरयानी खा लिया, फिर भी हमारा जो बोलता ना खुद को ऐसे नजर मत डाल। नहीं वो तो हो गया ना, हो गया जी। आयुष्मान जो, हाँ आयुष्मान में भी तीन पीस चिकन गया, फिर भी तीन पीस बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारा पारा वाला इंजन है, पिजन वाला मशीन। पारा, हाँ पारा हम रोडिया में बोलते हैं ना, तो पिजन वाला मशीन है, सब कुछ ग्राइंड हो जाता है। कबूतर वाला मामा का थोड़ा ढीला है। वो हमेशा सही है। लगती हूँ मैं साइज से इतना, लेकिन अंदर का सब कुछ ढीला ही है। बिना आलू का ये कंप्लीट नहीं होता है ना, कुछ भी बोलो, मटन बनाओ चिकन बनाओ, आलू तो चाहिए ही चाहिए। ओडिशा एंड इवन वेस्ट बंगाल साइड में भी, बाकी किधर नहीं डालते हैं, सिर्फ हम ज्यादा आलू डालते हैं हर चीज में। वो एक है ना, फूड है, हाँ हाँ करेक्ट, बचपन से खाते आए हैं वही। आई के लिए स्पेशल चीज हमेशा ही बनता है। क्योंकि वो मटन नहीं खाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पनीर को, टमाटर पनीर बस थोड़ा सा ही फ्राई कर लूंगी, ब्लैक पेपर थोड़ा डाल दूंगी, हो जाएगा उसका। खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो पनीर है, राइस और पनीर खाएगा। हाँ डालो पनीर, डाल दो, हो गया। प्रेशर डाल देंगे, हो जाएगा 20 मिनट में। थोड़ा सा अभी रिलैक्स फॉर 20 मिनट्स। और आयुष्मान बालकनी से झांक रहा है मेरा पनीर कैसा बन रहा है। पनीर बन गया, बन कर देंगे, ये हो गया। पनीर के लिए कितना टाइम लगता है? असली मजे मनीष ढाबा, मनीष ढाबा। नहीं आज मैंने कुछ नहीं किया। लोकेशन बहुत बढ़िया, सिर्फ धूप थोड़ा और कम हो जाता ना। एक्चुअली तो कम था, अभी बढ़ गया फिर से बादल। हाँ, धूप छाओ, धूप छाओ, धूप छाओ हो रहा है कब से। देख करते हैं, मनी एकदम झकास सच में यार, मतलब मजा आ गया ना। वो खुद हम जिंजर गार्लिक सब खुद क्रॉस करके लोकल तरीके से बनाते हैं ना, उसका टेस्ट पूरा अलग रहता है।
हो गया लंच परफेक्ट टाइमिंग में, 2:30 हो रहा है अभी। देखते हैं नागरहोला नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग के लिए, अगर नसीब रहा तो थोड़े बहुत जानवर दिखेंगे, अगर नहीं दिखेंगे तो सीधा घर पे मिलेंगे। ना वैसे 2:30 हो रहा है राइट, तो घर पहुँचते पहुँचते शायद 8:30-9 10 बजे जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक एक्सपेक्टेशन है ट्रैफिक का मैसूर रोड पे। एनीवे लेट्स सी, चलो फिर निकलते हैं इधर से। ये देखो कितना सारा, इधर भी हिरन, हाँ कलर कैसा दिख रहा है ना ये वालों का, सिंग नहीं आया, सिंग नहीं आया, सिंग नहीं है सब बच्चे। बेबी जा, बेबी आयुष्मान जा जाओ, ढेर सारे हिरन, तो हिरन ही हिरन है यार इधर नागरहोल में, तो भयंकर पॉपुलेशन है इन लोग का, सिंह वाला। रात को पहुँचते पहुँचते 9:45-10 o'clock हो गया। एक्चुअली हम नागरहोल में होके आए, दिखा तो नहीं कुछ, थोड़ा बहुत हिरन देखा, एक मॉनिटर लिजर्ड भी देखा ना, वो पहली बार देखा, शायद वो क्लिप नहीं ले पाए, लेकिन वो कवर करने के लिए हम 80 किलोमीटर घूम के आए, क्योंकि हम फॉरेस्ट के थ्रू होके ड्राइव कर सके, थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ स्पॉट कर सके। और आने के टाइम पे बारिश शुरू हो गया, फिर अंधेरा हो गया, फिर लाइटिंग में आप सोच ही सकते हो थोड़ा तो डिफिकल्ट होता ही है। वैसे भी हमने मैसूर रोड से नहीं आए, कनकपुरा मालवली रोड से आए, ये रोड से ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन और एक बात है वो सिंगल रोड था हाँ। वो इधर से गाड़ी आ रहा था, उधर से भी गाड़ी जा रहा था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और हमने तो कनकपुरा रोड से फिर से हारोहली रोड से गए, जो कि और मतलब जंगल वाला रोड है, वो अकेले ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, हम दो जन थे ना इसलिए कुछ, दो गाड़ियां थी, दो फैमिली थी तो आ गए। बट एनीवे यार, और आयुष्मान तो वैसे नहीं, तो सो गया था, सीधा आके इधर उठा घर पे, उसको तो कुछ भी पता नहीं कैसे उठता वो तो पूरा फुल गहरा नींद में था एक्चुअली। एनीवे ओवरऑल ग्रेट ट्रिप, मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा ही एंजॉय किए, क्योंकि लोकेशन ऐसा सब मिला हमको। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी वर्चुअली हमारे साथ एंजॉय किए रहेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।